सन 1720 की बात है। यह वह समय था जब भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। मराठा साम्राज्य पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ था। इसकी सीमाएं उत्तर में दिल्ली से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैली थी। उसकी कमान संभाले थे एक जवान पेशवा बाजीराव प्रथम। बाजीराव जिनकी वीरता और रणनीति की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। वो एक शानदार सेना नायक थे, एक निडर योद्धा, जिनके नेतृत्व में मराठा सेना ने कई महत्वपूर्ण युद्ध जीते। युद्ध के मैदान में उनका नाम गूंजता था और उनकी तलवार की चमक दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करती थी, मुगल सरदारों के दिलों में खौफ पैदा करता था। उनकी रणनीति और साहस ने उन्हें एक अद्वितीय योद्धा बना दिया था। एक के बाद एक जीत मिलती रही, हर जीत के साथ उनका नाम और भी महान बनता गया। वो अपने समय के लेजेंड बन गए। उनकी वीरता और नेतृत्व ने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। दक्कन का शेर लोग उन्हें कहते थे। उनकी बहादुरी और नेतृत्व ने उन्हें यह उपाधि दिलाई। उन्हें क्या पता था, किस्मत ने उनके लिए एक अलग ही रास्ता लिखा है, एक ऐसा रास्ता जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा, एक ऐसा रास्ता जो प्रेम के नशे से भरा हुआ है, एक ऐसा प्रेम जो उनके जीवन में एक नया मोड़ लाएगा। बाजीराव का जीवन युद्धों और विजयों से भरा था। हर युद्ध में उनकी वीरता और रणनीति की मिसाल दी जाती थी। वो युद्ध के मैदान के लिए जीते थे, मराठा साम्राज्य की शान के लिए। उनकी हर सांस मराठा साम्राज्य की रक्षा के लिए, मराठा साम्राज्य की शान के लिए। उनकी हर जीत मराठा साम्राज्य की ताकत को और भी बढ़ाती थी। वो अपनी पत्नी काशीबाई के प्रति समर्पित पति थे। उनका प्रेम और समर्पण एक मिसाल था। फिर भी लगता था किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, एक ऐसा मोड़ जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। एक अनोखी मुलाकात उनका इंतजार कर रही थी, एक ऐसी मुलाकात जो उनके जीवन को एक नया अर्थ देगी, एक ऐसी मुलाकात जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी, एक ऐसी मुलाकात जो कर्तव्य प्रेम और किस्मत के बारे में उनकी सोच को चुनौती देगी, एक ऐसी मुलाकात जो कर्तव्य प्रेम और किस्मत के बारे में उनकी सोच को चुनौती देगी। यह कहानी है बाजीराव प्रथम की, दक्कन के शेर की, जिनकी वीरता और प्रेम की कहानी आज भी जीवित है। भारत के बीचों बीच बुंदेलखंड बसा हुआ था। यह क्षेत्र अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता था। महाराजा छत्रसाल के शासन में यह राज्य मुगलों के हमले से घिरा हुआ था। मुगलों की ताकत और उनकी आक्रामकता ने बुंदेलखंड को संकट में डाल दिया था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने अपनी सेनाएं उन पर चढ़ा दी थी। मुगलों की विशाल सेना ने बुंदेलखंड के किले और गांवों पर हमला किया। छत्रसाल ने हार के कगार पर पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन मुगलों की शक्ति के सामने वे असहाय महसूस कर रहे थे। उनका संदेश पेशवा तक पहुंचा। छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव से सहायता की अपील की, जो उनकी आखिरी उम्मीद थे। बाजीराव, जो कभी चुनौती से पीछे नहीं हटते थे, उन्होंने अपनी सेना इकट्ठी की। उन्होंने तुरंत अपने योद्धाओं को तैयार किया और बुंदेलखंड की ओर कूच करने का निर्णय लिया। वो दक्षिण की ओर बुंदेलखंड की तरफ ब्याज चले। बाजीराव की सेना ने तेजी से यात्रा की, क्योंकि वे जानते थे कि समय बहुत महत्वपूर्ण था। वो कर्तव्य की पुकार पर जा रहे थे। बाजीराव के लिए यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक धर्म युद्ध था, जिसमें न्याय और सत्य की जीत होनी थी। वो मुगल आतंक को कुचल देंगे। बाजीराव और उनकी सेना ने युद्ध की तैयारी की और वे मुगलों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। मराठा सेना युद्ध के मैदान में पहुंची। उनकी उपस्थिति ने बुंदेलखंड के लोगों में एक नई उम्मीद जगाई। उनका मुगल सेनाओं से सामना हुआ। घमासान युद्ध छिड़ गया। दोनों सेनाओं ने अपनी पूरी ताकत से युद्ध किया और युद्ध भूमि पर खून की नदियां बहने लगीं। बाजीराव, जो गुस्से का तूफान थे, उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व किया और जीत हासिल की। उनकी रणनीति और वीरता ने मुगलों को पराजित कर दिया। उन्होंने बुंदेलखंड को बचा लिया था। बाजीराव की इस विजय ने न केवल बुंदेलखंड को मुगलों के चंगुल से मुक्त किया, बल्कि मराठा साम्राज्य की शक्ति को भी स्थापित किया। छत्रसाल कृतज्ञता से अभिभूत होकर अपने रक्षक का खुले दिल से स्वागत किया। उन्होंने बाजीराव को अपने राज्य का उद्धारकर्ता माना और उनका सम्मान किया। उन्होंने बाजीराव के सम्मान में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। इस उत्सव में बुंदेलखंड के सभी प्रमुख लोग और योद्धा शामिल हुए। इसी उत्सव में बाजीराव की नजर पहली बार मस्तानी पर पड़ी। यह मुलाकात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, क्योंकि यह एक महान प्रेम कहानी की शुरुआत थी। मस्तानी, एक नाम, एक व्यक्तित्व, एक कहानी जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। छत्रसाल और उनकी फारसी बेगम
रूहानी बाई की बेटी। मस्तानी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां वीरता और सौंदर्य का संगम था। वो अपनी खूबसूरती, अपनी बुद्धिमत्ता और युद्ध और नृत्य कला में अपने कौशल के लिए जानी जाती थी। उनकी हर अदा में एक अनोखी कशिश थी जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। वो एक ज्वाला थी, जीवंत और मनमोहक। उनकी आंखों में एक चमक थी जो उनके आत्मविश्वास और साहस को दर्शाती थी। बाजीराव अनुभवी योद्धा मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी वीरता और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें एक महान योद्धा बनाया था, लेकिन मस्तानी ने उनके दिल को जीत लिया। उन्होंने मस्तानी में एक ऐसी आत्मा देखी जो उनकी तरह ही अदम्य और जोशीली थी। दोनों की आत्माएं जैसे एक दूसरे के लिए ही बनी थी। आपकी कृपा और शक्ति, ये सचमुच अद्भुत है मस्तानी। आपकी हर बात में एक अनोखी शक्ति है। और आप बाजीराव ऐसे योद्धा हैं जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। आपकी वीरता और साहस की कहानियां सुनकर मैं अभिभूत हूँ। उनका रिश्ता तुरंत जुड़ गया एक दिव्य शक्ति से, जैसे किसी अदृश्य धागे ने उन्हें एक दूसरे से बांध दिया। वो एक दूसरे की तरफ खींचे चले आए जैसे पतंगे आग की लौ की तरफ खींचे चले आते हैं। उनकी प्रेम कहानी में एक अनोखी गर्मी और जुनून था। वो बहादुर पेशवा और वो योद्धा राजकुमारी एक दूसरे की संगत में सुकून पाते थे। उनकी बातचीत में एक गहराई थी जो उनके रिश्ते को और मजबूत बनाती थी। उन्होंने अपनी कहानियां, अपने सपने और अपनी महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे से साझा की। उनके सपनों में एक दूसरे का साथ था और उनकी महत्वाकांक्षाओं में एक दूसरे का समर्थन। उनका बंधन और गहरा होता गया एक ऐसे प्रेम में बदल गया जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उनका प्रेम एक ऐसी शक्ति बन गया जो हर बाधा को पार कर सकता था। एक ऐसा प्रेम जिसने परंपराओं को चुनौती दी और विवादों को जन्म दिया। उनके प्रेम ने समाज के नियमों को तोड़ा और एक नई कहानी लिखी। एक ऐसा प्रेम जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उनका प्रेम एक मिसाल बन गया जो आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। जैसे जैसे बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी आगे बढ़ी, वैसे वैसे कानाफूसी और असंतोष फैलने लगा। बाजीराव के सबसे करीबी लोग खुश नहीं थे। ये बिल्कुल मंजूर नहीं, वो पेशवा हैं, उनके कर्तव्य हैं, जिम्मेदारियां हैं। भैया, तुम्हें फिर से सोचना चाहिए। ये प्रेम प्रसंग, इससे सिर्फ परेशानी ही आएगी। जो प्रेम इतनी खूबसूरती से खिल उठा था, अब उसे विरोध की तेज हवाओं का सामना करना पड़ रहा था। बाजीराव और मस्तानी को सामाजिक अपेक्षाओं और पारिवारिक दबावों के तूफान से गुजरना होगा। उनका प्रेम आग में तपा हुआ या तो एक अटूट बंधन बनाएगा या फिर कलह की आग में भस्म हो जाएगा। बाजीराव और मस्तानी के प्रेम का सामना निरंतर विरोध का सामना करना पड़ा। परंपरा और सामाजिक मानदंड भयाकर बाधाओं के रूप में खड़े थे। बाजीराव, हमारा प्यार सच्चा है, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है। मस्तानी, मैं हमारे लिए लड़ूंगा, चाहे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। हमारा प्यार हर जंग के काबिल है। बाजीराव, तुम पेशवा हो, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लोगों और तुम्हारे परिवार के प्रति है, इस बाहरी के प्रति नहीं। राधाबाई के शब्दों ने कई लोगों की भावनाओं को व्यक्त किया, लेकिन बाजीराव का संकल्प अडिग रहा। कर्तव्य और प्रेम के बीच तनाव ने मराठा साम्राज्य को अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। बाजीराव, मैंने बुंदेलखंड की रक्षा के लिए आपकी मदद मांगी थी, अपनी बेटी को पीड़ित देखने के लिए नहीं। राजा छत्रसाल, मैं मस्तानी की रक्षा और अपने कर्तव्य का पालन करने का वादा करता हूँ, लेकिन यह संघर्ष हमें अलग कर रहा है। भैया, आपके फैसले अशांति पैदा कर रहे हैं, साम्राज्य विभाजित खड़ा नहीं रह सकता। बाजीराव एक दौराहे पर खड़े थे। मस्तानी के प्रति अपने प्रेम और अपनी प्रजा के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच फंसे हुए थे। उनके चुनाव का भार पूरे राज्य पर भारी पड़ रहा था। मस्तानी, जब से हम जुदा हुए हैं, हर पल मेरा दिल तड़पता है, ये निर्वासन असहनीय है। बाजीराव, तुम्हारा प्यार ही मेरी ताकत है, इस दूरी में भी मैं तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करती हूँ। परिस्थितियों से अलग बाजीराव और मस्तानी का प्यार और भी मजबूत हो गया। एक दूसरे के लिए उनकी चाहत उनके अटूट बंधन का प्रमाण बन गई। धरती की कोई ताकत हमारे बंधन को तोड़ नहीं सकती। मस्तानी, हमारा प्यार अमर है। साथ मिलकर हम हर बाधा को पार कर लेंगे, हमारा प्यार सब पर विजय प्राप्त करेगा। सामाजिक विरोध और उन परीक्षाओं के बावजूद जिनका उन्होंने सामना किया, बाजीराव और मस्तानी का प्यार अटूट रहा। एक दूसरे के प्रति उनका अटूट समर्पण आशा और लचीलापन की किरण के रूप में खड़ा था। त्रासदी तब आई जब बाजीराव का निधन हो गया, जिससे मस्तानी गहरे दुख में डूब गई। बाजीराव मेरे प्यार,
तुम्हारी याद हमेशा मेरे दिल में रहेगी। मैं तुम्हारी विरासत को आगे बढ़ाऊंगी। मस्तानी का दुख अथाह था, लेकिन बाजीराव के प्रति उनका प्रेम मृत्यु से भी परे था। उन्होंने उनकी याद को जिंदा रखने की कसम खाई, उस प्यार का सम्मान करते हुए जिसे उन्होंने साझा किया था। बाजीराव और मस्तानी की कहानी सिर्फ प्यार और बलिदान की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी विरासत है जो समय के साथ बनी रहती है, एक दूसरे के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के साथ पीढ़ियों को प्रेरित करती है। उनकी प्रेम कहानी सच्चे प्यार की ताकत और लचीलापन की एक शक्तिशाली याद दिलाती है।